हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले एक बेस्ट ईयरफोन के बारे में जो आपको मार्केट में 150 रुपये तक अवेलेबल होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हमारा चैनल नया है। चलिए मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस ये वीडियो मेरी नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं होने के कारण ये मैंने वीडियो कॉपी की है। आप उसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। गाइस ये है KDM कंपनी का, एक ब्रांडेड कंपनी है KDM, उसका ईयरफोन है, काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको 140 रुपये में परचेस किया है यहाँ दुकान से, जो यहाँ मेरे आसपास दुकान है वहाँ से ही परचेस किया। आपको ये अमेजोन पे भी देखने को मिल जाएगा। ये है गाइस KDM का M8। ये आप अभी जो वॉइस सुन रहे हो वो इसी ईयरफोन की वॉइस है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नॉइस नहीं देखने को मिल रही होगी। बैकग्राउंड की वॉइस भी आपको कम बहुत कम सुनाई दे रही होगी। गाइस ये इसी ईयरफोन की वॉइस है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये KDM कंपनी के M8 ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मैंने इसलिए इस ईयरफोन को यूज़ नहीं किया है। काफ़ी अच्छी ईयरफोन है गाइस, आप अगर गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे ईयरफोन है, इसमें आपको हाईफाई साउंड इफेक्ट, क्लियर ह्यूमन वॉइस, नॉइस इलेक्शन व प्राइसेस बेस देखने को मिल जाता है, हैंड्स फ्री इन लाइन माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा हद तक का ये बेहतर ईयरफोन है। मैंने अभी तक जब तक मैंने आज तक जो भी मैंने यूज़ किए इसमें सबसे बेस्ट लगा है गाइस। ये 3.5 mm के जैक पे आपको अवेलेबल होंगे, काफ़ी अच्छे ईयरफोन लगे आज तक है मेरे को। इसमें आपको 120 सेंटीमीटर की ये जो वायर देख रहे हैं वो देखने को मिल जाती है, और फ्रंट में लुकिंग में भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है गाइस, बिल्ड क्वालिटी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो वायर है वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को गाइस। आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, जो भी आप अगर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो आपको देखने को मिल जाती है। और आप 3.5 mm के वहाँ देख रहे हो काफ़ी एल्यूमिनियम स्टील की किसकी बनी हुई है, क्या पता किसकी बनी हुई है, तो आपको इससे थोड़ी ग्रिप मिल जाती है और मजबूती भी देखने को मिल जाती है। मेरा एक साइड का ईयरफोन काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया था इसको, काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। अगर आपको इसको खींचोगे तो भी नहीं टूटेगा, काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। अगर आप 100 रुपये या थोड़े से 50 रुपये और ज़्यादा लगा दोगे तो आपको मार्केट में 150 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये इसी ईयरफोन की वॉइस है। अगर हम बात करें बेस की तो बेस क्वालिटी में कोई कमी देखने को नहीं मिलती। अगर आप गाने के शौकीन है और गाने सुनने के लिए इस ईयरफोन को परचेस करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इस ईयरफोन की, और आपको नॉइस बहुत ही कम सुनाई दे रही होगी, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देखते होंगे। ये आपको होलसेल दुकान पे देखने को मिल जाएंगे 120 सेंटीमीटर की वायर के साथ, और अमेजोन पे 150 या 200 रुपये तक देखने को मिल जाएंगे, और आपको ये 90 या 100 रुपये तक भी आप इसको कहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की तो ये 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है गाइस। प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है, स्टाइलिश डिज़ाइन भी देखने को मिलती है। ये मार्केट में मैंने जहाँ परचेस किया था 180 प्राइस लिख रखी है, लेकिन मेरे को 140 में मिला था ये, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैंने इसको पबजी के लिए बाय किया था, मैं पबजी बहुत ही ज़्यादा खेलता था तो मैंने इसके लिए ही इसको बाय किया था। इसमें आपको क्लियर वॉइस देखने को मिलती है, हाईफाई स्टीरियो क्लियर साउंड, HD माइक भी देखने को मिलता है, जो कि अभी आप सुन रहे हो इसी ईयरफोन की। गाइस इस चैनल को भी आप देख सकते हो, जो भी आपको वीडियो देख रही हो मेरे नहीं है, आप इस चैनल को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसी ने इसकी अनबॉक्सिंग की है KDM M8 की, जो एक ब्रांडेड कंपनी है इंडिया की, जो काफ़ी अच्छी और ये गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट ईयरफोन है, चीप प्राइस में काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज़ अ KDM गाइस, बहुत ही अच्छे ईयरफोन है, आप इनको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट 150 रुपये तक आप अच्छे ईयरफोन परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन्हीं ईयरफोन को परचेस कीजिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी दे देंगे और बेस्ट ईयरफोन है और बेस्ट माइक्रोफोन के साथ अवेलेबल है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी की क्या ही बात करूँगा, सबसे बेस्ट लगे आज तक के मेरे को ये ईयरफोन, जो मैं अभी आप वॉइस सुन रहे हो उसी हिसाब से देख लेना कैसे ईयरफोन होंगे, आप ज़रूर इन्हें डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। चलिए गाइस वीडियो ये समाप्त कर देता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, लेकिन इन ईयरफोन की नहीं मिलेगी, आप इनको होलसेल या मार्केट में परचेस कर सकते हो, आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में और या अमेजोन से परचेस कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों। Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep now.
Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you.